अपने बेटे के लिए, अपने होने वाले पोता या पोती के खातिर आपको बोलना। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया दिलचस्प मोड़, जहां अभिरा जब दादीसा से मिलती हैं, तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विद्या दादीसा को दशहरे का गिफ्ट देने आती है, लेकिन दादीसा कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है। वहीं विद्या रूही को दशहरे का गिफ्ट देते हुए कहती है, कुछ और मांगना है तो मांग लो। इस पर रूही जवाब देती है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस रोहित के लिए ऑफिस में एक केबिन चाहिए। यह सुनकर विद्या माधव से कहती है कि वह मासा से बात कर रोहित को केबिन दिलवाए। और आप ही को बात करनी होगी क्योंकि मासा मेरी बात तो सुनेंगे। मैं ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको बात करनी होगी माधव जी, अपने बेटे रोहित से बात करनी होगी। अभी तो जो नोकझोंक तो है वो तो परिवार में होती ही है, और विद्या ऐसी बहू रही है जिसने कभी भी मासा के अगेंस्ट नहीं बोला है, उनसे आँख से आँख मिलाकर कभी भी एक अलग टोन में बात नहीं की है। हमेशा से मासा को आदर्श मानती थी, मासा का आदर करती थी, और यहाँ पर अभी वो बांध जो है वो विद्या का टूट चुका है, बिकॉज वो देखने लगी है कि मासा का जो झुकाव है वो अभिरा के प्रति और बढ़ गया है, क्लोज हो गया है। और यहाँ पर मासा एकदम परिवार का ना सोचकर सिर्फ अभिरा के बारे में सोच रही हैं, सारे केसेस अभिरा को दे दिए उन्होंने, और बाकी जो हैं जो केस लड़ रहे हैं जैसे मनोज हो गए, रोहित हो गए, उनका केसेस भी अभिरा को दे दिया है। तो हाँ, ये विद्या को अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से विद्या उनको बोलती है कि आपने जो है ऐलान कर दिया है जंग का, तो देखते हैं कि ये जंग कौन जीतता है, आप, आपकी बहू अभिरा, या मैं और मेरी बहू रूही। तो ये है, तो इट्स क्लैश ऑफ द टाइटन्स शुरू हो गया है। और अभी तक विद्या हमेशा से रिस्पेक्टफुली, अगर कुछ बात वो उसको ठीक नहीं लगती थी तो बहुत आदर से वो मासा से बोलती थी, अलग टोन से, अलग अंदाज से बोलती थी, लेकिन अब जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गई है, वो भी शेरनी बन गई है और वो एकदम मासा के खिलाफ खड़ी हो गई है, और वो साकास्टिक को तंस करती है, साकाजम लाती है और ताने कसती है वो भी मासा को। तो ये एक दूसरे को हो रहा है, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, इट्स लाइक क्लैश ऑफ द टाइटन्स जैसे मैंने पहले भी कहा। सो इट्स नाइस, मज़े आ रहे हैं। रूही, हाँ, तो यहाँ पर मैं भी मासा को, बिकॉज इसमें त्यौहार दशहरे का है, तो इसमें एक शगुन के तौर पर सास अपनी बहू को और बहू अपनी सास को गिफ्ट देती है, तो मैं मासा को भी देती हूँ, जो वो ले लेती हूँ, और मुझे सीधा बोलती है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ क्योंकि तुम तो घर छोड़ने वाली थी। और यहाँ मैं जब रूही को देती हूँ तो रूही बोलती है कि अरे माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेकर ही नहीं आई, और मैं बोलती हूँ तुम मुझे एक दादी बनने का सुख दे रही हो, उससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन वो बोलती है मुझे एक और चीज़ आपसे माननी है, और वो है रोहित के लिए नया कैबिन ऑफिस में। तो यहाँ पर विद्या जो है वो सीधा माधव को देखती है और उन्हें बोलती है कि आपको ही बोलना होगा क्योंकि मेरी बात तो मासा सुनेंगे नहीं, और माधव बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बोलती है आपको ही करना होगा, अपने बेटे रोहित के खातिर करना होगा। रोहित को हमेशा से अरमान की उतरन मिलती आई है, और अरमान का जो कैबिन है वो उसे वापस लौटा दो और नया कैबिन रोहित ले आ दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता मासा जो है वो और करीब अभिरा के जा रही हैं, और अभिरा से बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो और दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये है। इसके साथ ही
कहानी में एक और भावुक मोड़ तब आता है जब अभिरा टेंशन में खाना नहीं खा रही होती है तो अरमान उसे खाना खिलाता है ताकि वह मजबूत रह सके और दादीसा की जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सके।